देखी है, वो सुनी है, रूह काम करती है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम सभी लोग अपने हिंदू समाज करनाल मुल्तानी महासभा त्रिमंडल भारत भर परिषद अल्फा सिटी आरडब्ल्यू आर एस समाज करते रहेंगे अधिवक्ता परिषद हो गया सभी कार्यकर्ता ये जो संस्थाओं के और मैं पुनः निवेदन करूंगा अब सुधीर जी हमारे बीच में 5 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे और उसके बाद इसी साहब आएंगे हम ज्ञापन उसको लेकर उसके विरोध में और ज्ञापन सौंपा जा रहा है करनाल के एसडीएम को कि दोषियों के खिलाफ क्योंकि नू में जो हुआ बेहद अमानवीय कृत्य हुए उसके लिए आज हम हिंदू शर्मसार है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि नूह के अंदर जो एक मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है उसके अंदर ब्रिज मंडल की यात्रा हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और बड़े सौम्य और शांत तरीके से वो यात्रा निकाली जा रही थी जिसके ऊपर पूरे नियोजित तरीके से उनके ऊपर आक्रमण किया गया डंडों से 2500 बहनों और बच्चों का महादेव मंदिर के अंदर बंधक बना के गाड़ियों में आग लगाई गई लाठियां यहां तक कि बच्चे माताएं खेतों में छुप गए। यानी कि ये पूछना चाहती हूं कि हम भारत देश के अंदर अगर अपना त्यौहार नहीं मनाएंगे लोकतंत्र का देश सबको आजादी है अपना त्यौहार मनाने की और हम सभी को सहयोग भी करते हैं तो हम अपने त्यौहार मनाने के लिए आज कहां जाएंगे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए हम आज डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं और इसकी मांग की गई है कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो बंद हो इस तरह का इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी भी समय है अगर आज भी हम लोग इस चीज़ को नहीं समझे आज भी हिंदू अपने घर से बाहर नहीं निकला तो वो दिन दूर नहीं जब यह चिंगारी करनाल तक पहुंचने वाली है। दिल्ली से महज 85 किलोमीटर के डिस्टेंस में जिस तरह से घेर के एक यात्रा को मुसलमानों ने समुदाय विशेष मैं नहीं लगाऊंगा जिस तरह से घेर के ये काम किया हम इसकी निंदा करते हैं और अपने सभी भाइयों से निवेदन करते हैं अभी से अपने घर में तैयारी करें अभी से अपनी सुरक्षा की तैयारी खुद करें नहीं करेंगे तो इसी तरह मरेंगे। जय हिंद जय भारत। बारे में पहले ही पता था सरकार को नहीं यात्रा पिछले 4 सालों से चल रही थी निरंतर चलती थी हर साल समय तय था सावन के महीने में सोमवार को यात्रा निकलती थी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस यात्रा का आयोजन करते थे। अब की बार देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ ये लोग बहुसंख्यक हुए हैं इन्होंने दूसरे कोई भी धर्म है खाली हिंदू धर्म नहीं कोई भी दूसरे धर्म के लोग हैं उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया उन लोगों को वहीं ख़त्म करने की कोशिश की है और उसका परिणाम आप नूह में देख रहे हैं जिस तरह से आगजनी हुई है सबको समझ में आता है सुनियोचित एक षड्यंत्र था ये। देखिए सरकार का फेलियर भी हम कहेंगे इसमें सरकार का भी फेलियर है सरकार से ज़्यादा हमारा इंटेलिजेंस का इसमें हम फेलियर कहेंगे कि समय रहते देखिए एक दिन में एक घंटे में कि घरों पे पत्थर नहीं चढ़ते हथियारों का संग्रह नहीं होता लोग इकट्ठे नहीं होते एक मिनट के अंदर हजारों लोग सड़क पे आना कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है साफ दर्शाता है। मांग ये करते हैं सबसे पहले तो उनको नेस्तनाबूद किया जाए जिन जिन लोगों ने ये काम किया है जहाँ जहाँ ये काम किया है उस पर बुलडोजर चला के उसको मट्टी में मिलाया जाए।